बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड योर रमज़ान इज़ गोइंग ग्रेट। आई एम योर टीचर सबा अख्तर एंड गोइंग टू टीच यू बायो। टुडे द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड दिस टॉपिक इज़ टेकन फ्राम क्लास मेट्रिक फेडरल बोर्ड एंड क्लास 9 हैदराबाद बोर्ड एज वेल। सो वट आर द ऑब्जेक्टिवज ऑफ टुडे? You will be able to define pollination, differentiate between male and female reproductive parts of a flower, identify four walls of a flower, describe life cycle of a flowering plant, and learn about double fertilization. Dear students, you know that sexual reproduction involves the production of gametes, which are sperm and egg cells, and their fusion as well, which is called fertilization. आप लोगों को पता है कि sexual reproduction क्या है? इसमें गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, स्पर्म और एग सेल की प्रोडक्शन होती है, और इनकी फ्यूजन भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पोरोफाइट जनरेशन, एंड फ्लावर कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोर वॉल्स। जो फ्लावर के कॉम्पोनेंट्स हैं उनको कितने वॉल्स में अरेंज किया गया है? फोर वॉल्स में अरेंज किया गया है। टू आर द आउटर वॉल्स, एंड दीज आउटर वॉल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स, एंड टू आर द इनर वॉल्स विच आर रिप्रोडक्टिव वॉल्स। जो बाहर वाले दो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स कहलाते हैं, और जो इनर टू वॉल्स होते हैं वो क्या है? रिप्रोडक्टिव है। सो सबसे जो बाहर वाला द आउटर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड कैलेक्स। इट इज ग्रीन इन कलर एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है, जो बिल्कुल बाहर वाला वॉल है वो क्या है? कैलेक्स कहलाता है, ग्रीन कलर का होता है, और उसकी जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो सेपल्स कहलाती हैं। सेपल्स प्रोटेक्ट द इनर वॉल एट बर्ड स्टेज। जो सेपल्स हैं वो क्या करती हैं? बर्ड स्टेज पर इनर वॉल को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इनर वॉल होता है इट इज नोन एज कोरोला, एंड इट इज ऑफन कलर्ड ब्राइटली। डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, इट कैन बी ब्लू, रेड, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा। ठीक है, जो कैलेक्स के बाद अंदर वाला वॉल है उसको हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं, और ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं इसके जो लीव्स हैं। एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड पेटल्स, और जो इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो क्या कहलाती हैं? पेटल्स कहलाती हैं। लेट मी शो यू इन दिस डायग्राम। देखें दिस पोर्शन इन विच दीज ग्रीन लीव्स आर प्रेजेंट, इट इज नोन एज द इंटायर वॉल इज नोन एज कैलेक्स, एंड इट्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड सेपल्स। ये जो पूरा वॉल है इसको हम कैलेक्स कहते हैं, इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। एंड सेपल्स आर यूजली ग्रीन इन कलर। जो सेपल्स हैं वो क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। ओके, देन इसके बाद दिस पोर्शन लाइट ऑरेंज और द ब्राउन कलर लीव्स, दीज लीव्स आर कॉल्ड पेटल्स, और इस पूरे वॉल को हम क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। फाइन, ये जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं दीज आर कॉल्ड पेटल्स, और पूरा जो वॉल है वो क्या है हमारे पास? कोरोला है। देन इसके बाद थर्ड वॉल आता है जिसमें ये वाली इंडिविजुअल यूनिट्स आती हैं, दीज ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैमन। क्या कहलाती हैं ये? स्टैमन कहलाती हैं, और इस पूरे वॉल को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंड्रीसियम, एंड दिस एंड्रीसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फाइन, एंड्रीसियम के जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं दीज यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैमन, एंड द इंटायर वॉल इज कॉल्ड एंड्रीसियम विच इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। इसके बाद फाइनल फोर्थ वॉल, बिल्कुल एग्जैक्टली इनर वॉल, ये क्या कहलाता है? ये गाइनीसियम कहलाता है, एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और जो इसके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इट इज नोन एज कार्पेल। फाइन, द थर्ड वॉल इज कॉल्ड एंड्रीसियम, एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड स्टैमन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि जो थर्ड वॉल है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, एंड इट इज कॉल्ड एंड्रीसियम, और उसकी इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं? स्टैमन कहलाती हैं। स्टैमन हैज अ थ्रेड लाइक फिलामेंट। स्टैमन में अब क्या आ जाता है? एक थ्रेड लाइक फिलामेंट आ जाता है, एट द एंड ऑफ विच एंथर इज अटैच। नाउ लुक एट दिस डायग्राम, दिस पोर्शन इज कॉल्ड फिलामेंट,
and at the end anther is attached on this filament. So this complete unit is called stamen. और जब इस तरह की बहुत सारी stamens मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं? Male reproductive part of a flower which is called androecium. अब ये जो anther है, अगर हम इसको dissect करें तो anther में क्या होते हैं? These pollen sacs are present in anther. And in these pollen sacs, pollen grains are present. इन pollen grains को हम microspores भी कह सकते हैं. Fine. एंथर में क्या है? पोलन सैक्स होते हैं. पोलन सैक्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं? माइक्रोस्पोर्स मौजूद होते हैं, या फिर आप इसको पोलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं. और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, ये कैसे इसमें बनते हैं? ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं. फाइन, दीज पोलन ग्रेन्स. एंथर हैज पोलन सैक्स इन विच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू मियोसिस. As I have shown you in previous slide, के एंथर में क्या होता है? पोलन सैक्स होते हैं जिसके अंदर क्या बनते हैं? हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं या पोलन ग्रेन्स बनते हैं. कैसे बनते हैं? कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं? थ्रू मियोसिस. मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस्ड होते हैं. नाउ ईच माइक्रोस्पोर जर्मिनेट इन टू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन एंड ड्यूरिंग एट द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस एंड प्रोड्यूस टू न्यूक्लियर, दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड अ जनरेटिव न्यूक्लियस. हर जो माइक्रोस्पोर होता है वो जर्मिनेट किस में होता है? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में जर्मिनेट होता है, क्योंकि ये मेल जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, उसी का ये एक पार्ट है, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस्ड हुआ है. तो जो माइक्रोस्पोर है ये किस में जर्मिनेट होता है? मेल गैमेटोफाइट जनरेशन में जर्मिनेट होता है. और इसके दौरान इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें माइटोसिस होती है. जब माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में माइटोसिस होती है तो क्या बनता है? दो न्यूक्लियर बनते हैं, टू न्यूक्लियर. वन इज कॉल्ड ट्यूब न्यूक्लियस एंड एन अदर इज कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस. इसके बाद अगेन इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होती है और ये क्या बना देता है? टू स्पर्म्स बनाता है. फाइन, सो एट द एंड क्या इस मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर के पार्ट के अंदर क्या बन गया? जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर हैज अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म. इसके अंदर क्या बना? एक ट्यूब न्यूक्लियस और दो स्पर्म. सो ये क्या था? पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, उसकी बात हो रही. सो द फोर्थ वॉल्ड इज कॉल्ड गाइनीसियम एंड गाइनीसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड इट्स यूनिट्स आर कॉल्ड कार्पल और पिस्टल. Fine. And each carpel is made up of basal ovary, middle style and upper stigma. हर जो carpel है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? Basal ovary, मतलब उसके बेस में एक swollen सी structure होती है which is known as ovary. Mid में style होता है और style के ऊपर क्या होता है? Stigma होता है. I will show you in next diagram, in next slide. Inside ovary there are one to many ovules. अब जो ovary होती है उसके अंदर एक या एक से ज्यादा ovule मौजूद हो सकते हैं. And inside these ovule one haploid macrospore is produced through meiosis. In ovule के अंदर क्या produced होगा? Macrospore produced होगा through meiosis. देखें, जो मेल गैमेटोफाइट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर था जिसको हम एंड्रीसियम कह रहे थे, उसमें क्या बन रहा था? उसमें माइक्रोस्पोर बन रहे थे मियोसिस के थ्रू. बट इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच इज नोन एज गाइनीसियम, तो इसमें क्या बन रहा है? मैक्रोस्पोर्स बन रहे हैं इंस्टेड ऑफ माइक्रोस्पोर. ठीक है, मैक्रोस्पोर्स भी कैसे बन रहे हैं? मियोसिस के थ्रू बन रहे हैं. ड्यूरिंग इट मैक्रोस्पोर अंडरगो माइटोसिस, फिर क्या होगा? मैक्रोस्पोर्स क्या होंगे? उनमें माइटोसिस होगी और वो क्या बना देंगे? एन एग सेल, एक एग सेल बनाएंगे एंड सम एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे. फॉर एग्जांपल फ्यूजन न्यूक्लियस. मेल जो गैमेटोफाइट जनरेशन थी, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर था एंड्रीसियम, उसमें माइक्रोस्पोर्स में जब मियोसिस हो रही, माइटोसिस हो रही थी, तो क्या बन रहा था? एक हमारे पास दो न्यूक्लियर बन रहे थे, एक जो था ट्यूब न्यूक्लियस बन रहा था और जो दूसरा था वो जनरेटिव न्यूक्लियस बन रहा था. ठीक है, माइक्रोस्पोर में जब हुई माइटोसिस तो दो न्यूक्लियर बने, एक ट्यूब न्यूक्लियस बना और एक जनरेटिव न्यूक्लियस बना. लेकिन मैक्रोस्पोर में जब माइटोसिस हुई तो क्या बना? एन एग सेल, एक एग सेल बना और कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स बनी, फॉर एग्जाम्पल फ्यूजन न्यूक्लियस. अब एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ये क्या है? आर द फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट.
फाइन. मेल जो गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट था उसमें फाइनल क्या चीजें मिल रही थी, टू स्पर्म एंड अ ट्यूब न्यूक्लियस. जो फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन ऑफ अ प्लांट है उसमें एन एग सेल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. देखें दिस बेसल पोर्शन इज ओवरी. ठीक है, ये जो बेसल पोर्शन है, जो स्वॉलन सी स्ट्रक्चर है, इट इज नोन एज ओवरी. ये जो स्ट्रक्चर है मिड में, बिल्कुल मिडल में, इट इज कॉल्ड स्टाइल. और ये जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है इट इज नोन एज स्टिग्मा. एंड द होल पार्ट इज कॉल्ड गाइनीसियम. फाइन, जैसे ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का विच इज नोन एज एंड्रीसियम. ये फाइलामेंट, ये एंथर, और ये सारी इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कहलाती हैं, एंड्रीसियम कहलाती हैं. इसी तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है विच इज कॉल्ड गाइनीसियम. एंड दिस ग्रीन लीव इज कॉल्ड सेपल. और इस तरह की बहुत सारी इंडिविजुअल यूनिट्स मिलके क्या बनाती हैं, कैलेक्स बनाती हैं. पिंक कलर के ये वाले लीव्स, दीज आर नोन एज पेटल्स. और ये कंबाइनली या कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, कोरोला कहलाते हैं. फाइन, एक ओवरव्यू ले लेते हैं चारों वॉल्स का. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन. और ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ डिवेलपिंग फ्लावर. ठीक है, अब देखें ये जो बिल्कुल बाहर वाला वॉल है, इट इज द इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड सेपल. ये भी सेपल है. अब ये सारी सेपल्स मिलेंगी तो क्या बना देंगी, कैलेक्स बना देंगी. इस इन सेपल्स के अंदर वाला नेक्स्ट पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड पेटल्स. और ये सारी पेटल्स मिलके क्या बनाती हैं, कोरोला बनाती हैं. इसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है स्टैमन, सारे के सारे इंडिविजुअल यूनिट्स स्टैमन मिलेंगे तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर एंड्रीसियम बनाएंगे. इसके अंदर फाइनली स्टैमन के अंदर क्या मौजूद है, कार्पल मौजूद है विच इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच इज कॉल्ड गाइनीसियम. फाइन, अब देखें ये बाहर वाला सबसे बाहर वाला वॉल, ग्रीन कलर वाला फर्स्ट वॉल, इसमें बिल्कुल आउटर मोस्ट, इसमें क्या आती हैं, सेपल्स आती हैं. नेक्स्ट वॉल, सेकंड वॉल, इसमें क्या आती हैं, पेटल्स आती हैं. पेटल्स के बाद थर्ड वॉल, इसमें क्या आता है, स्टैमन. और देन फाइनल फोर्थ वॉल, इसमें क्या आता है, कार्पल आता है. ओके, फर्स्ट वॉल सेपल्स, सेपल्स कलेक्टिवली ये कौन सा वॉल है, कैलेक्स. देन पेटल्स किस में आती हैं, कोरोला में. स्टैमन किस में आता है, एंड्रीसियम में. कार्पल किस में आते हैं, गाइनीसियम में. फाइन, सो व्हाट इज पोलिनेशन. पोलिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन द पोलन ग्रेन्स बिकम मेच्योर दे ट्रांसफर टू द स्टिग्मा. ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स जो एंथर के अंदर मौजूद हैं मियोसिस के थ्रू बनते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा के ऊपर विद द हेल्प ऑफ पोलिनेटर. ठीक है, किसी भी पोलिनेटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलिनेशन. और पोलिनेटर का काम कोई इंसेक्ट भी कर सकता है, वाटर भी कर सकता है, और विंड भी कर सकती है. जब ट्रांसफर हो जाते हैं फिर क्या होता है, फर्दर आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस डायग्राम. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. देखिए इन दिस पोर्शन इज कॉल्ड एंथर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइलामेंट. और इसको कंबाइनली हम क्या कहते हैं, स्टैमन कहते हैं. एंथर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे से ये पोलन ग्रेन्स हैं. फाइन, ये पोलन ग्रेन्स हैं. और जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ट्रांसफर किसके ऊपर होते हैं, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं. और इस ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन. फाइन, ऑन रीचिंग स्टिग्मा द ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन कंस्ट्रक्ट अ पोलन ट्यूब. देखिए नजर आ रही है आपको पोलन ट्यूब, जैसे ही इसके ऊपर पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाएंगे. इसके अंदर जो ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद है वो बनाएगा क्या, पोलन ट्यूब बनाएगा. एंड द पोलन ट्यूब कंटेन अ ट्यूब न्यूक्लियस एंड टू स्पर्म. ये जो पोलन ट्यूब है इसके अंदर क्या मौजूद होगा, एक ट्यूब न्यूक्लियस मौजूद होगा और दो स्पर्म मौजूद होंगे. ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल. ये स्टाइल से होती हुई कहाँ जाएगी, ओवरी के अंदर एंटर हो जाएगी एंड देन इनटू द ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाएगी. हेयर इट ब्रस्ट, यहाँ पर ये क्या होगी, ब्रस्ट होगी एंड रिलीज टू स्पर्म्स, और दोनों स्पर्म को रिलीज कर देगी. बोथ स्पर्म्स एंटर द फीमेल गैमेटोफाइट. अब जो दोनों स्पर्म है वो किस में एंटर हो गए हैं, फीमेल गैमेटोफाइट में. वन स्पर्म फ्यूज विद एग
एक जो स्पर्म होगा वो किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। वन जो एक स्पर्म है इट विल बी फ्यूज विद एग एंड फॉर्म जाइगोट, और जो दूसरा स्पर्म है वो क्या करेगा, वो फ्यूज किसके साथ होगा, जो डिप्लॉयड है न्यूक्लियस इसके अंदर, फ्यूजन न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद है उसके साथ फ्यूज हो जाएगा और वो क्या बना देगा, ट्रिप्लॉयड एक 3N बना देगा जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। वाई डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर एक जाइगोट बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बी बन रहा है। नाउ देन दिस जाइगोट विल डिवेलप इंटू एन एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो में डिवेलप्ड हो जाएगा और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड फूड फॉर दी ग्रोइंग एम्ब्रियो, ये फूड प्रोवाइड करेगा इस ग्रोइंग एम्ब्रियो के लिए। ओव्यूल देन बिकम सीड, जो ओव्यूल है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, एंड ओवरी चेंज इंटू फ्रूट, और जो ओवरी होगी वो क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी, फ्रूट में चेंज हो जाएगी। व्हेन सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे और इनको कोई सूटेबल कंडीशंस मिल सकेंगी, सूटेबल वाटर टेम्परेचर एनवायरनमेंट हर चीज़, इनको कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हर चीज़ जब इनको प्रॉपर मिलेगी तो ये अगेन जर्मिनेट करेंगे, अगेन ये एम्ब्रियो डिवेलप होगा एक न्यू प्लांट में और फिर से पूरा ये वाला साइकिल चलता रहेगा। फाइन, नाउ लेट्स रिव्यू द एंटायर टॉपिक। देखें इस डायग्राम में ये एंथर है, ठीक है, एंथर में क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं, कैसे बने थे, मियोसिस के थ्रू बने थे। जब ये पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो गए तो ये कहाँ पर गए, स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरे, स्टिग्मा के ऊपर जब ये जाकर गिरे तो क्या बना दिया, यहाँ पर एक पोलन ट्यूब बनाई इन स्पोर्स ने, ठीक है, पोलन ट्यूब बनाई। इन पोलन ट्यूब्स के अंदर क्या मौजूद है, इन पोलन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म सेल्स भी मौजूद हैं और ट्यूब सेल्स भी मौजूद हैं, ठीक है ना, ट्यूब न्यूक्लियस भी मौजूद है। देन इसके बाद ये ग्रो होती हुई कहाँ आएगी, स्टाइल के अंदर आएगी, देखें लुक एट दिस डायग्राम, स्टाइल में आई, देन फाइनली स्टाइल से होती हुई ओवरी में आई और फिर ओव्यूल में गई, ठीक है, ओव्यूल के अंदर जाकर ये ब्रस्ट हो गई और दोनों स्पर्म्स रिलीज कर दिए। एक जो स्पर्म था वो किसके साथ मिल गया, वो उसने क्या बना दिया, उसने जाइगोट बना दिया एग सेल्स के, एग सेल के साथ मिलकर, ठीक है, फ्यूज होके क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। और जो दूसरा एक और सेकंड वन हमारे पास था स्पर्म, उसने क्या बनाया, उसने फ्यूजन न्यूक्लियस बना दिया, जो डिप्लॉयड फ्यूजन न्यूक्लियस था वो क्या बन गया, 3N बन गया, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया और इसको हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। फिर ये जो जाइगोट है ये किस में डिवेलप्ड हो जाएगा, ये एम्ब्रियो में डिवेलप्ड हो जाएगा, एंडोस्पर्म जो टिश्यू, एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। देन ओव्यूल जो है वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ओवरी विल बी चेंज इनटू फ्रूट, और अगेन जब सीड मैच्योर होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे तो इनको सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो फिर ये दोबारा से बिल्कुल एक इसी तरीके से न्यू प्लांट बना देंगे और ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। फाइन, आई होप यू गॉट द इंटायर लेक्चर, बट इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क क्वेश्चन। फाइन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।